नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज शाम 4 बजे क्लास 10 CBSE का मैं मैथ्स आपको करा रहा होता हूं। उसी सीरीज में हम आज एक्सरसाइज 8.4 तक आप पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है हमारा अभी तक, और जो इस सफ़र का साथी नहीं बना है वो हमारी पहली की वीडियोज़ को देखे, उनको समझे। 8.1, 8.2, 8.3 पूरी मैंने एक एक क्वेश्चन उसका ख़त्म कराया हुआ है हमारी वीडियोस में। इस चैनल की वीडियोस में आपको नीचे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं आप, ठीक है। तो 8.4 का हम आज पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में पहले हम उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे उसके, ओके। तो पहले मैं आपको बेटा आपको बता दें, हम एक्सरसाइज 8.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो इस एक्सरसाइज पर स्पेशली कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, आपको कुछ 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ाई जाएंगी और उन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो पहले वो आइडेंटिटी प्रूफ कैसे हुई, वो होती क्या क्या है, उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का, जो आपके एग्जाम में नॉर्मली आपको मार्क्स दिलवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आता है, जो कि कंफर्म है आएगा ही आएगा, तो इस एक्सरसाइज से आने के चांसेस 99% है बेटा, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, और आज आपकी छुट्टी है, मतलब छुट्टी का मतलब आपको पेन नहीं उठाना है, बस समझना है मेरे साथ, क्योंकि आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, क्वेश्चन हम कल से देखेंगे, ओके। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, और आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स को शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स में बेटा सबसे पहले होगा क्या, हमें 3 आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है, आइडेंटिटीज। उन 3 आइडेंटिटीज का मैं प्रूफ करवा के आपको दिखाता हूँ कि वो आई कहाँ से, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत होगी। इस ट्राइंगल में बेटा क्या होगा, एक ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी। उस पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे बेटा, लिखेंगे इसको हम लोग यहाँ पर, क्या होगा बच्चों, ए सी स्क्वायर या फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों क्या, ए सी स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख दिया आपने बेटा, ये डायरेक्ट नहीं लिखा है, इतनी सारी वीडियोस कर दी हैं मैंने, उनको देखो तब आपको समझ में आएगा क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर करवा दी है। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ओके। प्रूफ बेटा आपको एक बार समझ में आ गया कि वो आइडेंटिटीज कहाँ से आई हैं, तो अगर आप एग्जाम में आइडेंटिटी भूल भी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रूफ कर लेंगे, 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन वो काम हम आने ही नहीं देंगे कि आपको याद ना रहे, ठीक है। हम आपको इतने अच्छे से समझा देंगे उसको। तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, 3 टर्म्स हैं। तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि 3 टर्म्स में आपको करना क्या है, तीनों से एक एक बार पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या बोला, तीनों टर्म्स से एक एक बार सबको डिवाइड करना है, और उसी से हमारी तीनों आइडेंटिटीज आ जाएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए। तो मैंने आपसे कहा किसी से भी डिवाइड कर लें, तो बेटा सबसे पहले इधर एक है टर्म, तो इसी से कर लेते हैं। चलिए लिख देते हैं हम इसको अब, डिवाइड बाय, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ए सी स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड करने को कह दिया है, तो यहां से बनेगा क्या बच्चों, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, स्क्वायर लग जाएगा दोनों तरफ, प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर बच्चों। और इधर क्या है, न्यूमरेटर में भी बच्चों ए सी है, और डिनोमिनेटर में हमने ए सी से डिवाइड किया है, तो ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा। बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आइडेंटिटी बेटा बच्चों को याद नहीं होती, गलत करते हैं, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि आ कहाँ से रही है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम, और तीनों से अलग अलग डिवाइड कर देना है बस, ठीक है। आइए ज़रा, इससे बेटा होगा क्या, मुझे आप ये बताइए कि सर ये ए बी अपॉन ए सी होता क्या है,
ए बी अपॉन ए सी होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? तो बच्चे ए बी क्या है? बेस। और ए सी क्या है? हाइपोटन्यूस। तो बच्चों बेस और हाइपोटन्यूस का रेशियो क्या कहलाता है? कॉस थीटा। क्या कहलाता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है बच्चों? बी सी अपॉन ए सी। बेटा बी सी क्या है? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है? हाइपोटन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूस का रेशियो बच्चों क्या होता है? साइन। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। बेटा यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये क्या बन के आ गया बच्चों यहाँ पे? वन। तो वन का स्क्वायर बेटा वन ही होता है। ठीक है, अब बहुत सारी बुक्स क्या, हर बुक में आपको क्या होगा, साइन पहले लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। दोनों प्लस हो रहे हैं तो हम इसको ओवरटर्न कर सकते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई बच्चों। याद करने के लिए तो बेटा बहुत लगता है बच्चों, कैसे याद करें, लेकिन बताओ प्रूफ में कुछ था क्या? बहुत कठिन चीज तो चीज़ नहीं थी बेटा? आपको लग रहा हो ये बहुत कठिन चीज़ बता दी सर आपने, क्या बोलो? क्या कोई बहुत कठिन था क्या? लेकिन आइडेंटिटी बच्चों को क्या लगता था सर बहुत टफ होती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता बेटा उसमें, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब हम चलते हैं। अब देखो मैंने वो बात कही थी आपसे, तीनों को डिवाइड करना है ना, तीनों टर्म से एक टर्म हो गई हमारी। अब दूसरी से डिवाइड करेंगे, फिर तीसरी से तीनों इक्वेशन आ जाएंगी। अब हमने किससे कर दिया बेटा? एसी से कर दिया। अब हम इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड कर लेते हैं। अब हम चलिए ए बी से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, ए बी से आओ जरा। क्या लिखा है मैंने? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था बच्चा हमारा? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसमें हमें डिवाइड कर लेना है। डिवाइड बाय इक्वेशन वन बाय, अब हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर? ए बी अपॉन, बेटा ए बी पहले से है और ए बी से ही डिवाइड किया है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस बी सी अपॉन ए बी से डिवाइड किया है बच्चों इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी अपॉन ए बी से डिवाइड किया है इसका होल स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा, ए बी अपॉन ए बी, बेटा ये तो कट ही गया, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया बच्चों, ये तो कैंसिल आउट हो गया। और जो बचा है उसको लिख देंगे यहाँ पर। तो वन का स्क्वायर बच्चों वन ही हो गया। प्लस बेटा बी सी अपॉन ए बी, दोनों क्या होता है यहाँ पर? बी सी अपॉन ए बी, बेटा बी सी क्या है? परपेंडिकुलर। और ए बी क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी याद करना शुरू करो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री हमारी खत्म होने जा रही है, अभी आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। अगर बार बार समझना है तो आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं स्टार्टिंग वाली। ठीक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। चलिए, तो बेटा यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी टेन थीटा। टेन थीटा और टेन इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चे ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है बच्चों? ए सी है हाइपोटन्यूस और ए बी क्या है बच्चों? बेस। तो हाइपोटन्यूस अपॉन बेस क्या होता है बेटा? सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपन बेस ही तो होता है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? सेक थीटा। ये हो गई बेटा हमारी क्या इक्वेशन दूसरी। बताओ इतना टफ हम समझते थे बेटा, कितनी आसानी से ये इक्वेशंस प्रूफ होती आ रही हैं आपके सामने, आप खुद ही देख पा रहे होंगे उसको। ठीक है ना, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गई। कुछ नहीं करना है बेटा, पाइथागोरस लिखनी है और आपको एक एक टर्म से बार बार डिवाइड करते जाना है। कुछ नहीं करना है, आराम से सारे प्रूफ आ जाएंगे। अब लास्ट में आपको सारे प्रूफ याद कर लेने हैं और उन्हीं को
तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा आपके सामने क्वेश्चंस में, उनको आपको पुट करना आना चाहिए, वो भी हम करा देंगे। बस अभी आप क्या करिए, इनको ध्यान से समझिए कि ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। फिर से बेटा वही लिख लेते हैं, हमारा जो पाइथागोरस जो इक्वेशन बनती है वो लिख लेते हैं बेटा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यही तो बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन चल रही है अभी तक। तो वो क्या रहा है यहाँ पर, हमने हमने एक बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, एक बार हमने ए बी स्क्वायर से कर दिया, हमारा बस बेटा बी सी स्क्वायर बचा है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, डिवाइड इक्वेशन वन बाय बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से बेटा हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान लग रहे होंगे बेटा इनको आप, ठीक है। टफ तो बेटा कुछ होती नहीं, आपको पहले ही बताया है, जो चीज़ हमें समझ में आई वो टफ नहीं है और जो नहीं आई वो तो टफ है ही है, ठीक है। तो कभी भी किसी सब्जेक्ट को टफ मत कहिएगा बेटा। आप ये कह सकते हैं कि सर हमें टफ लगती है, वो सब्जेक्ट टफ है ये तो कोई मान ही नहीं सकता ना। कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल होता है, कोई बच्चा उसी सब्जेक्ट में टॉप करता है, तो सब्जेक्ट तो कभी भी खराब ना अच्छा हुआ ना खराब हुआ, जो पढ़ने वाला है उसको वो खराब या अच्छा हुआ ना। जो सब्जेक्ट आपको बहुत पसंद है वो सब्जेक्ट बहुत आसान है, ये कहना गलत है। आपको आसान लगता है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई सब्जेक्ट खराब लगता है इसका मतलब वो नहीं कि सब्जेक्ट खराब है। आप उस पर और ध्यान देंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे मैथ्स में, मैथ्स की गारंटी बेटा मैं ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट दिया अच्छे से तो हम साइंस वगैरह की तरफ भी ध्यान देंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आप देखिए कि कैसे कैसे आप मैथ्स में बेहतर करते जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे पूरी इक्वेशन जो है हमारी बी सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगी। तो बेटा ये हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस, ये तो बेटा बी सी है और बी सी से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा यहाँ पर, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, यहाँ तक लिख दिया मैंने आपके सामने। अब बेटा फिर से ढूंढो ए बी और बी सी हैं क्या, ए बी और बी सी, ए बी क्या है बच्चों बेस और बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन बी सी बेटा क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ लिया है अब तक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये बेटा क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, ये कैंसिल आउट हो गए, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, वन आएगा इज इक्वल टू बेटा ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है, ए सी हमारा हाइपोटन्यूज है और बी सी क्या है बच्चों परपेंडिकुलर, तो हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारी थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गई। बताइए अभी कितना टाइम हुआ है बेटा, 14 मिनट्स हुए हैं, तो इतनी देर में हमने तीनों आइडेंटिटीज आपके सामने पेश कर दी प्रूफ करके। अब आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है। इतना टफ तो नहीं रहा क्या होगा बेटा आप, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपको एज इट इज बस दिमाग में बैठाने को दे दिया जाए तो आप हो सकता है गलती कर जाएं, लेकिन अब आपको जब प्रूफ समझ में आ गया है कि किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं तब क्या आ रहा है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम सारी इक्वेशन को बार फिर से लिखना चाहेंगे, ठीक है। क्या होगा बेटा बताइए, ठीक है। अब इन जो हमने प्रूफ किया है अब तक वो हम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा बेटा मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ये बेटा हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई बच्चों। और थर्ड इक्वेशन में हमने प्रूफ किया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा,
ये हमारी तीन इक्वेशंस प्रूव हो गई बच्चों, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये तो इक्वेशन हमने अब तक बचपन से सुनते आए हैं अपने बड़े भाई बहनों से कि कितनी सारी टफ होती हैं और क्या क्या होता है। बेटा कुछ नहीं होता है, सब धोखा है, ठीक है, दुनिया धोखा है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रूफ किया मैंने। पहले क्या लिया आपके लिए, मैंने एक ट्राइंगल लिया था बच्चों, ठीक है। सबसे गणेश जी का त्यौहार चल रहे हैं तो उनको हम नमन करेंगे, गणपति बप्पा मोरिया कहते हुए पढ़ाई को शुरू करेंगे, है ना। जब भी आप सुबह उठें भगवान का नाम लें उसके बाद ही पढ़ाई को शुरू करें, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है ना। क्योंकि दिन में उठने के बाद जो भी हमारे साथ उल्टा सीधा जो भी होता है वो तो बेटा होता ही है, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, नई शुरुआत होती है बेटा दिन की। तो भगवान का नाम लीजिए और कुछ बेहतर कर लीजिए अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपके पिता की फिक्र जो है वो फक्र में बदल सके, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं बेटा। ये मैंने आपको पहले बताया कि भाई एक पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, बहुत आसान था कि भैया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। फिर मैंने आपसे कहा कि इसमें तीन टर्म्स हैं तो एक एक टर्म्स को डिवाइड कर लीजिए अलग अलग। तो एक बार जब हमने ए सी से डिवाइड किया तो हमने ये पाया कि सॉल्व करते करते एक एक इक्वेशन लिख के आई। इसी इक्वेशन को हम एक आइडेंटिटी का नाम देते हैं। आइडेंटिटी है क्या बेटा, आइडेंटिटी एक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो तीन इक्वेशंस हैं वो हमेशा सेटिस्फाई करती हैं हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनको हम आइडेंटिटी का नाम दे देते हैं। है तो ये इक्वेशन ही, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसको हम आइडेंटिटी स्पेशल नाम दे देते हैं, और कुछ थोड़ी है ये। अब बेटा इसमें क्या किया हमने, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, इसमें हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, ठीक है। और ये सारी की सारी मैंने तीनों की तीनों इक्वेशंस आपके सामने रख दी, ठीक है। तो इनको आप समझ लीजिए और आप कोशिश करिए कि इनको याद कर लीजिए, ठीक है। हुआ क्या, अब इन इक्वेशंस को एज इट इज तो नहीं लगाएंगे, कहीं पर आपको इसको इधर भेज के दे देगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो आपको क्वेश्चन में टर्म्स को इधर उधर लिख करके लिखेगा, और आपको जब बेसिक उसके सारे याद हैं तो आप आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 को उधर भेज देगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख देगा, इसमें कॉस स्क्वायर को उधर लिख देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें जब तीनों इक्वेशन जो बेसिक उसके हैं वो याद होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आप देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। कल की वीडियो में मैं क्या करूँगा, 8.4 के एक एक क्वेश्चन बेटा, सिंगल क्वेश्चन कोई स्किप नहीं करूँगा, एक एक क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ उसका। आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। मैंने आज आपको इसलिए नहीं कराया क्योंकि आज आप सिर्फ इसी को पढ़िए, ठीक है, इसी में अपना कमांड कीजिए। एक दिन आपके लिए बहुत होता है, काफ़ी सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने होते हैं, तो आप इतना ही आज पढ़ लीजिए। सारी आइडेंटिटीज का मैंने प्रूफ करा दिया, अब इनके क्वेश्चन जो है मैं आज ही क्वेश्चन भी कराता तो हो सकता है हौच पौच हो जाता माइंड में आपके कि सर आइडेंटिटी भी याद करनी है क्वेश्चन भी करने हैं। तो आज सिर्फ आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेना कल तक, और कल हम इसके आगे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो पढ़ाई पर ध्यान देते रहो बेटा, यही सत्य है बेटा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, यही सत्य है। 1 घंटे कहीं कुछ कर लिया, खेल लिए, 1 घंटे यूट्यूब चला लिया, 1 घंटे कुछ गेम्स खेल लिए, ठीक है, लेकिन उससे क्या है, लाइफ नहीं चलने वाली है। वो बात अलग है कि आपका स्कोप ही उसके अंदर है, लेकिन स्कोप भी अगर आपका किसी और स्पोर्ट्स वगैरह में है तो इसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई वाले भी पढ़ाई कर करके भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, ये तो आप क्या समझते हैं, मतलब जो स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेटर हैं या हॉकी में हैं वो क्या मतलब पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, पढ़ाई नहीं करते बेटा, एक से एक ब्रिलियंट बंदे बने हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आप ये एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि सर हमारा उसमें, हाँ बिल्कुल, ये बच्चे बहुत कहते हैं सर हमारा उसमें इंटरेस्ट है। अरे तो उसमें इंटरेस्ट है उसका, इससे क्या लेना देना बेटा, वो आप अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, ठीक है, ओके ना। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक्सक्यूज देना किसको एक्सक्यूज दे रहे हो बेटा, खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना। तो खुद से झूठ मत बोलो, वहाँ भी अपना फोकस रखो। अगर आपका पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है और पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो, और किसी का अगर पढ़ाई में ही फोकस है तो भैया उसके लिए तो नमस्कार है, वो तो खुश रहेगा ही, मतलब वो तो आगे गिराएगा ही जाएगा, जाएंगे वो लोग भी, लेकिन वो एक्सक्यूज देते रहेंगे कि हम तो पढ़ाई नहीं करते थे इसलिए हमें मार्क्स नहीं आए, क्योंकि हमारा फोकस पढ़ाई में नहीं था, हमारा फोकस तो क्रिकेट में था, हॉकी में था। तो भैया क्रिकेटर से भी पूछ लो, क्या वो गवार हैं, अनपढ़ गवार हैं वो, क्या वो भी अच्छे लेवल पे पढ़े हुए हैं, एक से एक ब्रिलियंट बंदे हैं, ठीक है।
तो आप एक्सक्यूज़ ना दें, ना किसी और को, ना खुद को, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इन आइडेंटिटीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आसपास सफाई रखिएगा, कोई गंदगी करे तो उसको समझाइएगा, देश का सम्मान करिएगा, ठीक है। देश की रक्षा क्या है, यूथ के अंदर, यूथ के हाथ में है बेटा। और आप यूथ में एंट्री कर रहे हो क्लास 10th में, अब आप ही पे सब कुछ है, देश आपके हवाले है, तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, ठीक है ना। तो अपना जिम्मेदारी को समझिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा योगदान जरूर दीजिए। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल की वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।